राजस्थान के शिक्षा मंत्री और निजी स्कूलों के संचालकों के बीच अब ठनी हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं को कथित तौर पर धंधा कहा गया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए 10 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में निजी स्कूलों की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि पिछले दिनों एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डोटासरा ने स्कूल संचालकों के लिए धंधा शब्द इस्तेमाल किया। एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बोला गया। इससे निजी स्कूल संचालकों की समाज में छवि खराब हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एसोसिएशन नीसा की ओर से दिया गया ये नोटिस चंडीगढ़ के अधिवक्ता पंकज मैनी ने भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के भीतर शिक्षा मंत्री इस शब्द के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।